चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैं थड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 20 देखने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 19 नहीं देखा है तो इसके झा 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं वहीं दे देता हूं, आप उसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281 से। 280 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, आज हम 281 से शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी देता है। यहाँ देखिए एक पाई चार्ट बनाई हुई यहाँ आपको नजर आएगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम क्वेश्चन को सेट कर देंगे तब उसका नजर आता है, ठीक है। तब तक हम यहाँ एक बना लेते हैं। सेटिंग की बात की गई है, सेटिंग 5%, 20% लिनन है, 12% सिल्क है, 15% वुलन है और 28% कॉटन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि कुल कपड़े का उत्पादन 1,50,000 टन है, तो 2015 में सेटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है। सेटिन का उत्पादन कितना हुआ है 5%, टोटल कितना है इतना, बस इसका ही हम 5% निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 × 5 = 75, ये यानी कि 7500 टन का उत्पादन सिर्फ किस पे हुआ है, सेटिन पे हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। 282 क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, यानी वो कैसे आते हैं उसके बारे में पूछा गया, तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। इसको भी एक पाई चार्ट के द्वारा दिया गया है, देखिए कार द्वारा 150 डिग्री, कार द्वारा, बस द्वारा 120 डिग्री, साइकिल द्वारा 60 डिग्री, और वॉक द्वारा यानी कि पैदल जो है वॉक द्वारा 30 डिग्री। हमसे पूछा है कि टोटल 1200 छात्र हैं, कार द्वारा कितने आते हैं, तो देखिए कार द्वारा कितने 150 डिग्री आते हैं, तो कार द्वारा आने वाले क्या हो जाएगा, टोटल ये कितना हो जाएगा, 180, 210 और 360। 150 डिग्री कार द्वारा आते हैं किस में, 360 डिग्री में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1200। जब टोटल स्टूडेंट 1200 हैं तो अगर हम काट देंगे 60 से काट दीजिए 6 बार में कट जाएगा, 60 से 20 बार में कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 10, 3 × 5 = 15, 50, यानी कार द्वारा 500 स्टूडेंट आते हैं, यानी 1200 में 500 स्टूडेंट जो हैं वो कार द्वारा आते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। 283 क्वेश्चन कहता है कि पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है, पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप ए जो है भरने वाला है इसे फ्लश करते हैं ये 12 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी खाली करने वाला है तो इसे माइनस लेते हैं, ये कितना देर में खाली कर सकता है, तो 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने
या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। टैंक 2/5 भरा हुआ, ये चीज़ याद रखें। 12 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12। ए की अगर हम क्षमता देखें तो क्या आ जाएगा 12/12 यानी कि 1, और बी की क्षमता देंगे 12/6 यानी कि 2। ठीक है, अब देखिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। अगर ए पाइप को खोले और बी पाइप को खोले तो ये 1 लीटर तो भरेगा और ये 2 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। तो इन दोनों के खोलने से कितना लीटर का आपका नुकसान होगा, तो -1 लीटर का नुकसान होगा। यानी कि जब दोनों को खोलेंगे ना तो जो 2/5 भरा हुआ है उसमें से पानी 1 लीटर ये निकाल देगा। अब 12 लीटर आपको टोटल पानी भरना है और 2/5 भरा है तो कितना भरा होगा, 12 × 24/5 इसे कर देते हैं। यानी कि 24/5 को -1 से अगर भरेंगे ए प्लस बी द्वारा तो ये क्या हो जाएगा, 24/5 - -1। यानी इन दोनों का क्षमता क्या हो रहा है, -1 लीटर यानी कि 1 लीटर खाली करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -24/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 × 20 हो गया और 5 × 8 = 40 यानी कि -4.8 मीटर में क्या कर देगा, इसको खाली कर देगा। -4.8 में खाली कर देगा तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। 284 कहता है कि दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या होगा, यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो ऑप्शन ए देखिए 9/10, 9/15 और 1/3। ऑप्शन बी 4/15, 1/3, 1/10। ऑप्शन सी 1/3, 3/10, 4/15 और ऑप्शन डी होगा 4/15, 3/10 और 1/3। देखिए ये तीनों बी सी डी ऑप्शन एक ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन ए को उठाएंगे, देखिए 9/10 और 9/15 में हम कंपैरिजन कराएंगे कि कौन सबसे छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 × 9 = 135, 10 × 9 = 90। यानी कि छोटा कौन सा है, 9/10 है, और सॉरी बड़ा 9/10 है और छोटा क्या है, 9/15 है। तो यहाँ तो 9/10 क्या है, बड़ा है, तो ये ऑप्शन ए को हम काट देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि शुरू ही वाला क्या है, बड़ा है, आप उसके बाद वाला छोटा है, उठाते हैं ऑप्शन बी उठाते हैं 4/15, 1/3 और 1/10। ये क्या आरोही क्रम में सबसे पहले इन दो को उठाएंगे, 3 × 12, 15 × 15 यानी कि ये छोटा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। फिर 4/15 को उठाएंगे और 1/10 से, तो 10 × 40, 15 × 15 यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि ये भी बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ये 1/10 बीच में आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन सी हम उठाएंगे। ऑप्शन सी क्या है, 1/3, 3/10 और 4/15। 10 × 10 3×9 यानी कि ये भी नहीं है, क्योंकि पहले ही देखेंगे 1/3 बड़ा हो गया 3/10 से। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी को भी हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। अब ऑप्शन डी उठाएंगे, अगर तीन ऑप्शन वैसे भी नहीं होता है तो चौथा हमारा सही आंसर हो जाता है, लेकिन चेक कर लेते हैं 4/15, 3/10 और 1/3। 10 × 40, 15 × 3 = 45, सबसे छोटा ये हो गया। फिर 4/15 को 1/3 से देखते हैं, 3 × 12, 15 × 15 यानी कि 4/15 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 4/15, उसके बाद इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 3/10 और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 1/3 यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। 285 क्वेश्चन कहता है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 6,000 निवेश किया, तो लाभ में दोनों का अनुपात क्या होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न में लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है समय गुना पूंजी, यानी आपने कितना पूंजी लगाया और कितना समय के लिए लगाया, ये इंपॉर्टेंट है। लाभ बराबर होता है समय गुना पूंजी,
अब देखिए सुरभि 5 महीना के लिए 6,000 रुपया लगाती है और उर्वा 6 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाती है, तो 6 से 6 कट गए, इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:6, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। 286 क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है, यानी एक त्रिभुज MNP जो है MNP समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर MN की भुजा 64 सबसे बड़ी भुजा मान लें, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? इसको हम N मान लेते हैं। तो क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो और क्षेत्रफल दिया रहे, तो त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? इसकी भुजा का स्क्वायर बट्टा इसकी भुजा का स्क्वायर, यानी कि MN का स्क्वायर बट्टा ये DE का स्क्वायर, यही होता है। तो त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल जो है ये कितना दिया गया है? 1024, और इसका क्षेत्रफल दिया है 144, और MN का वैल्यू कितना दिया है? 64, यानी कि 64 का स्क्वायर बट्टा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 12 से कटेगा, 12 8 96 और 12 5 60 नहीं कटेगा। चलिए पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 10, 512, 2 से काटने से 2 7 14, 2 3 4 72, 8 से कट जाएगा, 8 9 72 और 8 से कट जाएगा, ये 8 6 48, 8 4 32, यानी कि 62 बार है, ये कट गया 8 6 48, 8 4 32, यानी कि ये 64 बार में कटा। जब ये 64 बार में कटा तो ये 64 इसको एक बार में काट देगा, जब 64 64 स्क्वायर है तो 64 9 64 यानी स्क्वायर में काट देगा। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये कहाँ चला जाएगा? 9 गुना 64, यानी कि 9 गुना 64, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 गुना 8, यानी कि 24। तो 24 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इस DE की भुजा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। 287 कहता है कि एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए आंतरिक और बाह्य कोण का जो मान दिया गया है ये दिया गया 4:1। आंतरिक को निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 × 180 डिग्री बराबर 4, और बाह्य कोण क्या होता है? 360 डिग्री बट्टे में 1। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, यानी कि ये कट गए 45 बार में। ठीक है, तो एन माइनस 2 45 बराबर ये चला जाएगा 360। जब 360 चला गया तो 9 5 45, 9 4 36, 40, 5 8 40, यानी कि एन माइनस 2 बराबर 8, तो एन क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2, यानी कि 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। 288 कहता है यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलता है तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है, तो विनय की गति ज्ञात कीजिए, यानी इसकी गति क्या होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि विनय की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल दूरी कितना तय करता है? तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी करता है अगर x किलोमीटर तय चलता है, दूसरा कर रहा 4 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से कर देता है तो उसे 10 मिनट का समय कम लगता है, तो इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10/60।
देखिए अब यहाँ हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं या इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। या आप इसे x इंटू एक्स प्लस टू इधर कर दीजिए तो x ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस टू माइनस 4x बराबर 1/6 कर दीजिए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 8 माइनस 4x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 4x 4x कट जाएगा, ये है 1/6, 48 तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब यहाँ से इस कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8। गति कभी नेगेटिव में नहीं रहता है तो ये इसका को काट देंगे, x माइनस 0 6 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा काम हम यही कर सकते हैं। दूसरा काम अगर हम वैल्यू पुट कर दें x का वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से अगर हम कोई पुट कर सकते हैं तो देखिए अगर 4 x का वैल्यू अगर 6 रख देते हैं तो 4/6/4/8 बराबर 10/60 यानी इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या 4 × 8 1/2 हो जाएगा, 1/2 का एलसीएम 6 तो ये हो जाएगा 4 − 3 बराबर 1/6, तो 4 − 3 का क्या हो जाएगा 1/6 बराबर 1/6 यानी कि LHS बराबर RHS। तो हम डायरेक्ट यहीं से भी वैल्यू पुट करके आंसर हम निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक मेथड होता है जो हमने यहाँ तक निकाला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 279। 279 क्वेश्चन कहता है कि पी अकेला एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और पी और क्यू एक साथ करते हुए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी भाई साहब हैं कितना दिन में, 18 दिन में, और पी प्लस क्यों इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, क्यू जो 10 दिन है वो कार्य छोड़ दिया और पी को अकेला उस कार्य को पूरा करने में, पी का शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, पी को अकेले उस शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यही हमसे पूछा जाए। 18 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर P की अगर हम क्षमता देखें तो P की क्षमता क्या हो जाएगा, 90/18 यानी कि 5, और Q P प्लस Q की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, P प्लस Q की क्षमता 90/15 यानी कि 6। अब देखिए P का अकेले का क्षमता 5 है, इस P का अकेले का क्षमता 5 है तो Q का अकेले का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए ये दोनों 10 दिन तक उन्होंने एक साथ 10 दिन तक कार्य किया, 10 दिनों बाद यानी कि अगर P और Q 10 दिन तक कार्य करेगा तो 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना कार्य कर देगा, 60 काम कर देगा, यानी कि 90 में से 60 काम कर दिया तो कितना काम शेष बचा, तो 30 काम शेष बचा। अब जब 30 काम शेष बचा तो शेष काम को P कितना दिन में करेगा, P का क्षमता क्या है, 5 की एफिशिएंसी है, तो पी जो है 30 काम को 5 के एफिशिएंसी से 6 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस थम्स अप कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। 290 कहता है कि 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो होती है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या ये क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 1/2 = 1, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ये तो इधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1:2 हमारा सही आंसर, यानी कि 1/2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 291। 291 कहता है कि यदि √256 का वैल्यू अगर 16 हो तो अंडर रूट
0.00000256 1 2 3 4 5 6 7 8 बट्टा 16 का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 256 बट्टा 2 3 4 5 6 7 8 बट्टा 16। जब ये रूट से बाहर आएगा तो रूट 256 का वैल्यू तो 16 होता है, ये हो जाएगा 16 बट्टा 1 2 3 4, ये 8 जीरो है तो क्या 4 जीरो बाहर आ जाएगा, बट्टे में 16, ये 16 16 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/1, तो 0.0001 क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 0.0001 यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। 292 कहता है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी, यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 5 से क्या हो जाएगा 4, ये 4 का वैल्यू 64 के बराबर है, ये कितना हो जाएगा 1600 गुना, ये कितना हो जाएगा 1600 गुना। तो इसका कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8000 रुपये। जब कॉस्ट प्राइस 8000 रुपया है तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, यानी कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा। टोटल 8000 है, 20 वस्तु है तो 20 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा 492, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी होगी 400। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293। 293 क्या कहता है कि x माध्य वाले x1 x2 x3 यानी x माध्य वाले x1 x2 x3 लेके xn तक प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन से पूछ रहे, देखिए मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया रहता है 1 2 3 4 5, ये संख्या दिया रहता है, अगर इसका मानक विचलन पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसका माध्य निकालिए, बात को समझिएगा, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। माध्य क्या हो जाएगा 1+2+3+4+5, बट्टे में टोटल संख्या क्या होता है 5, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15, यानी कि 15/5 यानी कि 3। अब जो माध्य आ जाता है इस माध्य वाले संख्या में ये जो संख्या दिया रहता है उसको घटाते हैं, यानी कि x1 इसको x2 मान लें, इसको x3 मान लें, इसको x4 मान लें, तो इसमें से ये संख्या घटा के उसका हम स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमसे मानक विचलन इसका पूछा जाएगा तो हम कैसे निकलते हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं एग्जांपल से, ठीक है। हम कहेंगे कि अंडर रूट 3-1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3-2 1 का स्क्वायर प्लस 3-3 0 का स्क्वायर प्लस 3-4 -1 का स्क्वायर प्लस 3-5 -2 का स्क्वायर, और ये बट्टे में कर देते हैं टोटल संख्या कितना है 5। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4+1+0+1+4, यानी कि ये हो गया 4 4 8 2 10 10/, यानी कि रूट अंडर 10/5, यानी कि इसका मानक विचलन क्या हो जाएगा रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ से मिला, मिला कि यही इस चीज़ से देखिए, यानी कि अंडर रूट समेशन i से लेके n तक x1 या कह सकते हैं x माध्य, यानी कि इसका माध्य -x1, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इसे हम लिख सकते हैं xi का होल स्क्वायर बट्टा नंबर, यानी कि जो संख्या जितना दिया रहेगा 1 2 3 4 5 संख्या दिया रहेगा तो उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मानक विचलन आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि 1 से लेके आपका n तक एक्स माध्य माइनस यानी कि x1 या x-x1 माध्य हम कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या तो आप इस वैल्यू से इसमें घटाइए, ये वैल्यू से इसमें घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो स्क्वायर करना होता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो
चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।